रहती है, उसमें अभी गवर्नमेंट मल्टीपल डेवलपमेंट करने वाली है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट करने स्टार्ट भी कर दिया है। जैसे कि मैं बात करूँ अयोध्या में जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो कवर कराना चाहूँगा। Is a mere tribute to the extraordinary experience that lies beyond. The journey begins at a sanctuary. वो अभी जो हमने फर्स्ट फेज सोल्ड आउट किया था, हमने फर्स्ट फेज सितंबर में सोल्ड आउट किया था 9 डेज में, सेकंड फेज जो हमने सोल्ड आउट किया था 6 डेज में जनवरी में 10 अरायू के नाम से हमने सोल्ड आउट किया था। अभी जो हमारा ये थर्ड फेज है ये एज अ कोड नेम जन्मभूमि के नाम से ये लॉन्च करा, ये थर्ड और फाइनल फेज है जो लैंड लेना है हमें पॉसिबल करेगा। ओके, और प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता फैक्टर हमारा लोकेशन। अगर कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बंदा जो अगर वो अयोध्या में इन्वेस्ट कर रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है लोकेशन, क्योंकि प्राइस की अप्रिसिएशन होगी, एक अच्छा रिटर्न आप इन्वेस्टमेंट मिलेगा और एक अच्छा सेकेंड होम अगर आप एक बेस्ट लोकेशन पर आप देख रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लैंड है। सर अभी आप जैसे देख सकते हो ये अयोध्या का 14 किलोमीटर का दायरा है जिसमें गवर्नमेंट्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, जैसे ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, ई मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबिलिटी, सोलर सिटी। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट लेके आ रही है सर वो इतनी इसी दायरे में होने वाली है। अभी बात करूँ इन्वेस्टमेंट्स की तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 85,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी है और ये प्लेज किया है कि 1,50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और करेगी गवर्नमेंट कुछ टाइम बाद जब ये सारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। मैं अयोध्या की बात करता हूँ, तो अभी अगर आप विजिट करोगे ना तो पूरा अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ धूल मिलेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रही है, स्टार्ट हुआ, इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट ने। तो अभी मैं आपको लोकेशन फैक्टर बताना चाहूँगा कि क्यों हम बेस्ट हैं और हमारे सिवाय अयोध्या में और किसी के पास लैंड नहीं है। अभी मैं जैसे हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा की लैंड पार्सल की बात करूँ तो राम मंदिर से हमारा 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अभी जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है उसकी बात करें तो वो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, 6 किलोमीटर। हम जो भी नया महर्षि वाली हमारा ये हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा HOABL हमारी कंपनी का नाम है शॉर्ट फॉर्म। तो मैम अभी जो नया एयरपोर्ट अभी गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है वो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अभी हमारे यहाँ से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस में, या कि 25 to 30 मिनट्स। बेसिकली क्या मैम एयरपोर्ट आउटसाइड में ही रहता है, मेन सिटी के बीच में तो रहता नहीं, तो आउटसाइड में इसलिए। और एयरपोर्ट अभी कंस्ट्रक्ट करने के बाद वर्क वहाँ पे स्टार्ट होने के बाद गवर्नमेंट इसको और बड़ा कर रही है क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड से वहाँ पे लोग टूरिस्ट विजिट करेंगे। और अभी जो लेटेस्ट बस स्टैंड जो इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे लग्जरी बस स्टैंड बनने वाला है वो अयोध्या में, 400 करोड़ गवर्नमेंट अभी इन्वेस्ट कर रही है बस स्टैंड के लिए, जो हमारी प्रॉपर्टी से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में। बात करूँ बस स्टैंड की तो बस स्टैंड आपको यहाँ ये जो दशरथ समाधि मार्ग है ये वाराणसी की तरफ जाता है और यहाँ पे हमारा लैंड पार्सल प्रेजेंट है। ये NH27 हाईवे है जो लखनऊ गोरखपुर की तरफ जाता है। अच्छा, गंगा से शायद नज़दीक होगा सरयू जी, सरयू जी से नज़दीक। अभी जैसे मैं आपको एक बार लोकेशन दिखाता हूँ हमारा एक्चुअल कहाँ पे है। तो अभी आप ये देख पा रहे हैं जैसे आप एंटर करते हो ये हमारा गेट है, इसके सामने ये 4 लेन रोड है, अभी 2 लेन रोड है पर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है 4 लेन रोड में क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल डेवलपमेंट्स चालू हो गए हैं, फुटफॉल बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का ये था ये रोड जल्दी बनाना ज़रूरी है। ये 4 लेन रोड है जो ये अयोध्या की तरफ जाती है और ये वाराणसी की तरफ जाती है। ओके, और इस 4 लेन रोड के जस्ट ऑपोजिट साइड में आते हैं तो यहाँ पे सरयू जी का रिवर है 900 मीटर की डिस्टेंस में। तो इस जो रोड होने वाली है 50 मीटर्स की होने वाली है, इस 50 मीटर के बाद 900 मीटर की डिस्टेंस के बाद सरयू जी का रिवर होने वाला है जो अभी क्या है अभी तो वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है बट गवर्नमेंट उसको प्रॉपर उस सरयू जी में वाटर फिल करेगी, उसको फ्लो करेगी और उसमें मल्टीपल बहुत सारे लग्जरी क्रूजेस चलेंगे। आप समझ सकते हो कौन से लोकेशन पे एक आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके बाद मैं लोकेशन की फैक्टर पे जो मैं समझा रहा था वापस आता हूँ। तो वहाँ पे अभी जो राम मंदिर है
क्योंकि वो एडीए के अंदर साढ़े छः किलोमीटर का दायरा तो इन्वेस्ट करने के लिए भूल ही जाए, वो मिलेगा नहीं किसी को। और उसके जस्ट एक किलोमीटर की डिस्टेंस पे यानी 7.5 किलोमीटर पे हम प्रेजेंट हैं, और मुझे 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है सर। अयोध्या में जितनी भी डेवलपमेंट होने वाली है उसमें ही आने वाली है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नहीं ये 14 किलोमीटर के अंदर की बात करूँ तो लैंड सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आपके पास अभी, और कोई भी डेवलपर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। वहाँ पर कुछ डेवलपर जो प्रेजेंट भी हैं इस 14 किलोमीटर के बाद प्रेजेंट है, इस हाईवे पे प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, पर इस दायरे के अंदर कोई भी 14 किलोमीटर की रेंज में कोई नहीं, सिर्फ हम हैं। तो अगर लोकेशन के मामले में अगर आप देखते हो तो हम सबसे बेस्ट लोकेशन पे हैं। अगर आप ऐसा कनेक्टिविटी के मामले में देखते हो तो बेस्ट है। हॉस्पिटैलिटी के थ्रू देखते हो तो लीला होटल जो आपके पास में, रामा लैंड जो जैसे डिज्नी लैंड बना है ना सर, वैसे सेम गवर्नमेंट रामा लैंड बना रही है, एक थीम पार्क बना रही है 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, तो हमारे से उससे 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ के पास की हैं। तो एज अ प्राइम लोकेशन हम ये पैसा चार्ज कर रहे हैं आपसे। ओके एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। Step into the serene world of the Sarin, Ayodhya's only 7-star mixed-use development, where the river's gentle whispers weave through the lush landscapes, creating a haven of tranquility. The name, inspired by its location on the banks of the Sarin and the Sanskrit word for air, symbolizes the sacredness that washes away all impurities. This expansive retreat is purposefully built, seamlessly uniting spirituality, wellness, and luxury. The harmonious space draws inspiration from ancient temples and palace architectures infused with a contemporary touch. Let's explore this expansive space and its different zones. As you drive through the development with your family and friends, you first approach the large gates inspired by forts, symbolizing grandeur. You sense the magnificence that awaits within. The entrance is a mere prelude to the extraordinary experience that lies beyond. The journey begins at a sanctuary where moments unfold seamlessly. Upon entry, you're welcomed by the shimmering swimming pool, a place where laughter and joy ripple through. Venturing further in, you will be awed by the magnificent clubhouse, unveiling a tapestry of family-friendly experiences. Right by the clubhouse lie acres of lawns to host family weddings and grand functions. Start your day with a refreshing splash in the indoor pool, creating memories of play and connection. In the cozy cafeteria, share family stories over a relaxed meal. It's a space where warmth lingers. For a special evening, the panoramic restaurant offers an elevated dining experience with breathtaking views. If you love some active family time, the state-of-the-art gymnasium is the place to be. Challenge and support each other, making fitness a shared journey. End your day in the comfort of your exclusive residence, where your guests enjoy the opulence of the presidential suite, a haven for retreat, relaxation, and reflection. The next day, wander through the vibrant heart of this development, where aquatic amenities and nature harmoniously blend. Envision your family exploring this aquatic wonderland, with children's laughter echoing and creating ripples that mirror joyous moments. The sky deck, with its breathtaking view overlooking the Sarin River, becomes a sacred space for family reflection. As the sun sets, gather at the amphitheater, a stage for family stories against the serene backdrop of the Sarin River. Picture your family captivated by a cultural performance, harmonizing with the gentle flow, creating a sensory symphony for the soul. Later, descend into a space designed for community engagement, capturing the essence of Mandap Pavilion and Community Garden. Here, experience art and cultural events, forging connections with neighbors at the central lawn. Each element, from the exhibition pavilion to the Mandap Pavilion, is a testament to the soulful connections your family fosters with fellow residents. As you finish your journey, the spirit of Ayodhya surrounds you. For those seeking a retreat beyond the ordinary, come and make the Sarin your haven. Let the melody of the river
and the embrace of luxury guide you to a lifestyle resonating with the essence of Ayodhya. ये था हमारा वीडियो. बात कर जैसे मैंने अभी आपको बताया लोकेशन के बारे में, और कोई डेवलपर अभी अयोध्या में प्रेजेंट नहीं है. सर लोकेशन को लेके अभी तक कोई डाउट नहीं है? नहीं, लोकेशन तो आपने बताया राम मंदिर से 9 किलोमीटर्स 7.5 किलोमीटर, देन रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर्स है. ओके, जो 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का जो बस स्टैंड बनने वाला है उससे 4 किलोमीटर बस स्टैंड से 4 किलोमीटर और अभी जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू बनने वाली है, जो अभी राम जी की स्टैचू होने वाली है 250 फीट की, उससे सिर्फ और सिर्फ 3.5 किलोमीटर्स की. और जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करें तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अप्रॉक्स 18 किलोमीटर्स की है, जो 25 to 30 मिनट्स की. ये हो गया लोकेशन फैक्टर से. और अभी जैसे अभी मैंने आपको बताया हमारा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर लीन है, वहाँ पे मल्टीपल हॉस्पिटैलिटी चेन्स वहाँ पे ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, देख सकते हैं ताज ऊपर हैदराबाद तक बहुत सारे एंटर कर चुके हैं. लीला को भी वहाँ पे लैंड नहीं मिल रही थी, तो हमने उन्हें लैंड प्रोवाइड की 5 acres की, उसके बाद हमने इनके साथ एक कोलैबोरेशन, जिससे क्या हमारी पूरी डेवलपमेंट लीला मैनेज करेगी, जो एक बहुत प्रीमियम डेवलपमेंट बना. सर मैं आपको एक टूर करा देता हूँ अमेनिटीज. जैसे ही आप अंदर आते हो सर, तो सबसे पहले हमारी अमेनिटीज 3 sections में डिवाइडेड है. अभी मैंने आपको जैसे बताया पहला सेक्शन आता है अनंता के, जैसे अंदर जाते हैं तो अनंता के हमारा ग्रैंड क्लब हाउस है, जो 50,000 square feet में कंस्ट्रक्शन होने वाली है. उसके अनंता है हमारा, उसके सामने स्विमिंग पूल है, उसके सामने आप देख सकते हैं वेडिंग लॉन है, वेडिंग मंडप हमने लिया हुआ है. ओके, व्हाट्सएप कर. उसके बाद जैसे आप अंडर करते अंदर आते हो अनंता के, आपको मिलता है इंडोर पूल, रेस्टोरेंट को मिलता है, कैफेटेरिया, जिम, गेस्ट सूट. जो भी कस्टमर्स हमारे डेवलपमेंट में लैंड परचेज करेंगे उनके लिए गेस्ट सूट फ्री ऑफ कॉस्ट है. वो अयोध्या विजिट करते हैं, वो जब भी चाहें प्री बुकिंग करके इसमें रह सकते हैं. स्पा रूम, लाइब्रेरी, तो हर चीज़ कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा हमारी डेवलपमेंट. ओके, लैंड लेके आप बनाते हो. दूसरा सेक्शन हमारा जल तरंगा सेक्शन है, ये क्या पूरा वाटर बॉडीज है. आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो पहला से हमारा एमपी थिएटर है, जहाँ पे अगर आपको आजकल बहुत ही ट्रेंड है म्यूज़िक कॉन्सर्ट ये सारी चीज़ों, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे और एक पीसफुल टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो. और बैक साइड ऑफ एमपी थिएटर आए तो हमारा वाटर बॉडीज़ का सेक्शन है, जिसमें फ्लोटिंग डेक, कबाना डेक, क्या है कि अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, मॉर्निंग टी लेना है, कॉफ़ी लेना है, तो पानी के बीच में एक अच्छा व्यू इन्जॉय करके कर सकते हो. ओके, आगे की बात करें हम तो कलाकुंज गार्डन, पुष्प वाटिका, ये हमारा ऐसा सेक्शन है सर जहाँ पे पूरा फ्लावर्स, ये फ्लावर्स का सेक्शन रहेगा, हम इसमें मल्टीपल फ्लावर्स यहाँ पे प्लांट करेंगे, तो ये पुष्प वाटिका के नाम से. जो तीसरा सेक्शन आता है हमारे अमेनिटीज के अंदर, जैसे आप एंटर करते हो, है अतुल्य. अतुल्य के अंदर जाते हो तो सबसे पहले आपको मिलता है सेंट्रल रूम. सेंट्रल रूम क्या है, कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा, जैसे आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो. ओके, उसके बाद आता है हमारा बाल उद्यान. बाल उद्यान क्या है, बेसिकली किड्स प्लेइंग एरिया या बच्चों के खेलने की जगह है. यहाँ पे किड्स प्लेइंग एरिया जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, उसके ही जस्ट इन फ्रंट में ये सीटिंग एरिया है, पेरेंट्स की सीटिंग एरिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं. तो ये था हमारा थर्ड सेक्शन. उसके बाद वर्चुअल टूर की बात करें तो जैसे आप एंटर करते हो, ये आपको 18 meter वाइड रोड है, ये प्लॉट्स के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो 9 meter वाइड रोड है. कुछ इस तरीके की कंस्ट्रक्शन रहेगी हमारी डेवलपमेंट में. ओके, एंटर करते हो, ये एरियल व्यू है हमारे क्लब हाउस का. एरियल व्यू फ्रॉम क्लब हाउस. हाँ, क्लब हाउस. और अगर कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा, लोग अपनी लैंड को जब डेवलप करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके, तो कुछ तरीके की डेवलपमेंट होने वाली है. और मैं सर मैं बता देता हूँ, जो अमिताभ बच्चन जी जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, जिनकी लैंड है ये साइज में, ये साइड में जो 5,000 square feet के जो प्लॉट है उनकी लैंड जो उन्होंने परचेज की. ये हमारा एमपी थिएटर है जो हमने अभी मैंने आपको दिखाया था. और एमपी थिएटर से ही राम जी की जो मूर्ति है वो विजिबल रहती है. बताऊँ अभी आपको
ये हमारा सेंट्रल गार्डन है और यहाँ से ही राम जी की मूर्ति दिखती है, जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो दिखती है। यहाँ से राम मंदिर जो भी आप देख पा रहे हैं, राम मंदिर का भी एक व्यू मिलता है। ओके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 7.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 7.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कुछ इस तरीके का ग्रीनरी यहाँ पे बनने वाले हैं। ओके, ये मैंने आपको दिखा दिया हमारे एंट्रेंस के अंदर का सेक्शन। अभी कि आपको लोकेशन या हमारी डेवलपमेंट को लेके कोई डाउट नहीं, अभी मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है ब्रोकरेज।